नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका करंट अफेयर डिस्कशन में आज दिनांक 17 जुलाई 2023 है हम द हिंदू के लाइव मिंट के और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर के करंट अफेयर उसके साथ में स्टेटिक डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक एन एस से रिलेटेड नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस इसमें क्या हुआ जो गवर्नमेंट uh, उसको रिवेम करना चाह रही है स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स जो 2019 हज़ार उन्नीस में सेटअप किया था और इसका भी नया एक पैनल सेटअप किया जाएगा जिसका नाम होगा स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टेटिस्टिक्स इसमें इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स में ओनली इकोनॉमी पर फोकस किया जाता था, था और कुछ हाउस होल्ड सर्वे हुआ था कंजम्प्शन पर जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्वालिटीज़ के इशू रेज किए थे तो उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अब एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टेटिस्टिक्स जिसका मैंडेट बड़ा होगा ये एनएसओ के अंडर में ही है इसमें टोटल दस ऑफिशियल मेंबर और चार नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे और उसके बाद में सोलह तक इसके मेंबर्स को ऐड किया जा सकता है जिनको इस फील्ड में एकेडमिक्स में डाटा में बहुत अच्छी नॉलेज होगी ये गवर्नमेंट इसलिए करना चाह रही है क्योंकि इसमें जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा है जो कि पहले वाले में वो थे क्योंकि वो सिर्फ इकोनॉमिक्स पे फ़ोकस करता था ये बाकी सर्वे फोकस करेगा उसकी एक्स्ट्रा मेथोलॉजी यूज़ करेगा उसमें स्टेटिक्स को इम्प्रूव करेगा क्योंकि जो भी हमारी स्टेटिक्स की रिपोर्ट आती है उसी पे गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स और जितने भी हमारे इंटरनेशनल जो हमें कमिटमेंट करनी पड़ती है वो हमारे डाटा के ऊपर होती है इसलिए डाटा की एक्यूरेसी लाने के लिए गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया है एंड ये नेशनल स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टेटिस्टिक्स ये उसको रिप्लोस रिप्लेस करेगा स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टेटिक्स अब इसके कुछ बेसिक की बात करते हैं कि एन है क्या एन और उसकी काफ़ी रिपोर्ट्स हैं एन एस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको मोसपी बोलते हैं मोसपी के अंडर में आता है और इसका काम स्टेटस्टिक्स और उसके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड होता है जो स्टेटिस्टिक विंग है इसको इनिशियल में तीन भागों में बांटा गया था एक था एन एस ओ नेशनल स्टेटिस्टिक ऑफिस सेकेंड था सी एस ओ सेंट्रल स्टेटिस्टिक ऑफिस एंड थर्ड था एन एस एस ओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत ज़्यादा ऑफिस एंड डिपार्टमेंट हैं तो आपस में डाटा में दिक्कत आ रही है तो उसको मर्ज करने के लिए 2019 में गवर्नमेंट ने एन एस ओ एंड सी एस ओ दोनों को मर्ज करके नेशनल स्टेटिस्टिक ऑफिस बना दिया इसके द्वारा काफ़ी रिपोर्ट्स रिलीज़ किए जाते हैं जैसे टवंटी पॉइंट प्रोग्राम है टवेंटी पॉइंट प्रोग्राम पे भी यू ने क्वेश्चन पूछा था कि ट्राइबल जो पॉपुलेशन है और एस टी शड्यूल ट्राइब को कौन से राइट्स अपलिकेबल होते हैं तो एक ऑप्शन टंटी पॉइंट प्रोग्राम था नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मोनीटरिंग एंड प्रोजेक्ट मोनिटरिंग रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है एम पी आपने इस स्कीम के बारे में काफ़ी बार सुना होगा जिसमें मेंबर ऑफ में पार्लियामेंट हैं इनको फाइव करोड़ तक के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का फंडिंग मिलता है एनुअली और ये डिस्पर्सल होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर और इसमें जो भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फ़िजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप करने हैं उसके लिए फंडिंग मिलती है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आई इसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया था इसकी रिपोर्ट भी एन के द्वारा रिलीज की जाती है और इसमें कोर सेक्टर होते हैं जिनका वेटेज फोर्टी पॉइंट फोर्टी सिक्स परसेंट है जिसमें रिफाइनरी ऑयल है इलेक्ट्रिसिटी है स्टील है ये मैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा वेटेज इसका है फिर कोल है फिर क्रूड ऑयल है फिर नेचुरल गैस है एंड फर्टिलाइज़र इस पर भी यू पी ने क्वेश्चन पूछा था कि इसको अरेंज करो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज तो ये सारी रिपोर्ट एन के द्वारा रिलीज की जाती है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर नेक्स्ट न्यूज़ ये काफ़ी दिनों से आ रही है जिसमें कि अभी नेक्स्ट एक जो चीता हमने री इंट्रोड्यूस किया था कोनो नेशनल पार्क में उसकी भी डेथ होगी तो डेथ के पीछे कॉन्टेक्ट यही है कि जो कॉलर कैमराज लगाए जाते हैं उनमें उसको उसकी एक्टिविटीज़ को नोट करने के लिए उसके मूवमेंट को नोट करने के लिए उसके बिहेवियर को नोट करने के लिए रेडियो कॉलर जो कि गले से बांधी जाती है तो उसी में कुछ फाइंडिंग्स आ रही हैं कि उसके कारण उसमें पैराजेटिक इन्फेक्शन हो गया और उसके कारण डेथ हो गई चीता की तो चीता की कुछ बेसिक डिस्कस करते हैं चीता को फास्टेस्ट लैंड एनिमल बोला जाता है वर्ल्ड में क्योंकि इसकी दौड़ने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और इंडिया में चीता एक्सटिंक्ट हो गया था नाइनटीन टू में ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा हंटिंग की थी ड्यूरिंग द कलोनियल टाइम और अभी जो चीता री इंट्रोडक्शन किए जा रहे हैं वो कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में वहाँ पे किए जा रहे हैं और ये वर्ल्ड का सबसे पहला इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है जहाँ पे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टीनेंट में चीताज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है और ये इंडिया और अफ्रीका का मेनली साउथ अफ्रीका और नामीबियन कंट्रीज से इनको लाया जाता है गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया हमारे कंट्री में सारे बिग कैट्स हैं तो उसी में चीता मिसिंग था तो चीता वाला वोइड फिल करने के लिए और इस प्रोजेक्ट में पचास विकेट नेक्स्ट फाइव ईयस में करने का प्लान है अब इसका आयुष स्टैंडर्ड देख लेते हैं क्योंकि आयुषन के ऊपर डायरेक्ट स्टेटमेंट आती है जो एशिएटिक चीता है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है क्योंकि ये सिर्फ ईरान में सर्वाइव कर रहा है इंडिया में तो एक्सटिंक्ट हो गया नाइनटीन में और उसकी रेड आइज है कई बार स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में पूछ लेते हैं कि उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है फलाने फलाने एनिमल की जो अफ्रीकन चीता है ये वलनरेबल है क्योंकि अफ्रीका में अभी भी चीता काफ़ी पाए जाते हैं जो लेपर्ड है उसकी वनरेबल है जगवार नियर थ्रेटेड है ये इंटरकनेक्टेड करते हैं ताकि किसी दूसरी स्पीसीज़ के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप उसको आराम से हैंडल कर सको चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर नेक्स्ट न्यूज़ एक उलान बतर लोकेशन है कई बार ए, सिंपल आता है कि उलान बतरबाजी न्यूज़ और कौन सी कंट्री थे मालदीव में है अभी क्या है कि इंडिया और मालदीव के बीच में नोबेडिकलीफेंट नोबेडिकलीफेंट एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका मेन फोकस होगा काउंटर टेररिज्म के ऊपर और बाकी बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करना एक दूसरे से सीखना व्यूज़ को करना इंट्रोपरेबिलिटी ऑपरेशन को कैरी आउट करना क्योंकि हमारी आउंट फोर्स जे एंड के में और बाकी जगह पर डिप्लॉयमेंट है और सेम मालदीव में भी कई बार इंस्टेबिलिटी देखने मिलती है तो उसको ध्यान में रखते हुए नोमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज एक अभी कंडक्ट की जाएगी तो इसी के साथ में मैंने डिफेंस एक्सरसाइज कुछ कंपाइल कर दी जो कि इंपॉर्टेंट है गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ में इक्वरिन ये मालदीव के साथ में नेवल एक्सरसाइज है और नोमेडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है आर्मी की एक्सरसाइज है हैंड इन हैंड चाइना के साथ में कुरुक्षेत्र सिंगापुर मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ में नोमेडिक एलिफेंट ये जो हमने डिस्कस किया शक्ति फ्रांस के साथ में शक्ति है मिलिट्री अपनी आर्मी की एक्सरसाइज है वरुणा होती है नेवल एक्सरसाइज फ्रांस के साथ में और फ्रांस के साथ में अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया तो काफ़ी न्यूज़ में सूर्य किरण नेपाल के साथ में युद्ध अभ्यास यू के साथ में यू के साथ में ये हमारी आर्मी की एक्सरसाइज है और एक मालाबार एक्सरसाइज है जो कि हम चार कंट्रीज करते हैं जो कि क्वेड में भी हैं इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर नेक्स्ट न्यूज़ लाइटनिंग से रिलेटेड है कि लाइटनिंग को अभी तक नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर नहीं किया जाता है सेंटर ने मना किया कि इसको नेचुरल डिजास्टर नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रिवेंटेबल है क्योंकि लोगों को अगर उसके सेफ्टी स्टेप्स लिए जाएं कि जिस टाइम पे बारिश हो बाहर ना निकलें पेड़ के नीचे ना जाएं किसी ऐसी बिल्डिंग पे ना जाएं जहाँ पे लाइटनिंग ज़्यादा होती है तो सेंटर का वही कहना है कि इसको बचाया जा सकता है तो इसको हम अभी नेचुरल डिज़ास्टर में नहीं डालेंगे ये कह रहे हैं कि इंडिया एक अकेला कंट्री है जिसमें लाइटनिंग के ऊपर अर्ली वार्निंग जब भी कोई डिज़ास्टर होता है उसकी अर्ली वार्निंग इशू की जाती है इंडियन मेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा और इसमें नॉट ओनली डेज बट इसमें तीन घंटे पहले भी अर्ली वार्निंग दी जाती है बट कुछ स्टेट हैं बिहार वेस्ट बंगाल यहाँ पर लाइटनिंग के कारण बहुत ज़्यादा डेथ होती हैं तो इनका ये कहना है कि लाइटनिंग को इंक्लूड किया जाए नेचुरल डिजास्टर में जिसमें क्या होगा स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड है इसमें सेंटर का सेवेंटी फाइव परसेंट कंट्रीब्यूशन रहता है लोगों को कंपनसेशन मिल सकते हैं और ये ऑलरेडी साइक्लोन रोड अर्थक्वेक फायर फ्लड सुनामी हेलस्टोम लैंडस्लाइड क्लाउड ब्रस्ट फ्रस्ट कोल्ड वेव ये अभी स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के अंडर में आते हैं और पीपल जो कि अफेक्टेड होते हैं उनकी डेथ हो जाती है उनको कंपनसेशन मिलता है कई बार डायरेक्ट एक सिंपल आ सकता है कि कौन कौन से इंक्लूडेड हैं नेचुरल डिजास्टर में तो लाइटनिंग नहीं है तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल डिस्कस था अब यूपीएससी ने थंडर के ऊपर क्वेश्चन पूछा काफ्यू ट्री की क्वेश्चन है ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉम जब भी थंडर स्टॉम होता है थंडर कैसे प्रोड्यूस होती है स्काई में तो ऑप्शन है मीटिंग ऑफ कुम्बलो निम्बस क्लाउड इन द स्काई नो मीटिंग ऑफ कुम्बलो निम्बस से लाइटनिंग प्रोड्यूस होती थंडर नहीं होती लाइटनिंग दैट सेपरेट्स द निम्बस क्लाउड निम्बस क्लाउड क्या होता है लोअर लेवल के क्लाउड होते हैं जो बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं तो इसके कारण भी थंडर प्रोड्यूस नहीं होती वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर एंड वाटर पार्टिकल्स नो तो इसका आंसर आता है नन ऑफ द बो इसके कुछ बेसिक डिस्कस करते हैं थंडर जो है थंडर जो हर्ड की जाती है लाइटनिंग के पाँच सेकंड बाद होती है क्योंकि लाइट की स्पीड फास्टर है इन कंपेरिजन ऑफ थंडर लाइटनिंग होता क्या लाइटनिंग एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क होता है जब भी क्लाउड्स आपस में टकराते हैं उस टाइम पे लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है और थंडर क्या होती है जब लाइटनिंग आसपास की हवा को गर्म करती है उससे हवा एक्सपेंड होती है और उससे क्लैपिंग क्या हो जाती है उसको बोलते हैं थंडर तो वो रीज़न है थंडर के प्रोड्यूस होने का नए कि ऑप्शन दिए हैं तो यहाँ पे आंसर इसका डी हो जाता है चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर नेक्स्ट न्यूज़ जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी फ्रांस में विजिट किया था उसी में जो स्कॉर्पियन सबमरीन और कॉम्बेट जेट इंजन की डील्स थी अभी फाइनल नहीं हुआ क्योंकि बता रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने रिपोर्ट रिलीज की थी वहाँ पे क्लरिकल एरर हो गया अन एरर ड्यू टू साइट पर वेबसाइट पर पहले लोड कर दिया तो यहाँ पर स्कॉर्पियन सबमरीन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है पी एंड एडवांस है पी सेवेंटी इंडिजिनस इसमें हमने सिक्स स्कॉर्पियन सबमरीन बनाने का प्लान है जिसमें है कलवेरी खंडेरी करंज वेला वगीर एंड वगसीर जो स्कॉर्पियन सबमरीन है थोड़ी एडवांस होंगी ये सुपर स्टेल्थ है मतलब इनको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा इसके अंदर प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स होते हैं लॉन्गर ड्यूरेशन में पानी के अंदर स्टे कर सकती हैं और ये बनाई कहाँ पे जाएंगी इंडिया में मचगांव डॉक लिमिटेड मज डॉक लिमिटेड जो कि बॉम्बे में है वहाँ पे बना रहे हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे नेवी की कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर नेक्स्ट न्यूज़ डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड पे है काफ़ी डिस्कशन चल रहा है कि एक चाइल्ड की उम्र क्या होनी चाहिए गवर्नमेंट अभी डाटा प्रोटेक्शन बिल इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है और उसमें सेंटर चाह रहा है कि जो 18 साल की एज है काफ़ी जगह हमारे कानून में उसको कम किया जाए तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज है कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर और कहाँ पर अपने खुद के जजमेंट में चाइल्ड की क्या एज दी है जो जस्टिस बी श्री कृष्णा कम्यूटी है जो काफ़ी फेमस है जिसने राइट टू प्राइवेसी को एज ए फंडामेंटल राइट right माना था उसके हिसाब से चाइल्ड की एज एट्टीन ईयर्स है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो दो में लाया था उसने भी बच्चे की एज को 18 साल ही बताया था एक जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट की बात करें इसमें उन्होंने तीन एज डिफाइन की 13, 14, 16। ये इसलिए है कि बच्चे की कंसेंट लेना क्योंकि इंटरनेट पे जब भी आप उसको यूज़ करते हो सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो कई जगह ऐसी इस टाइप के कंटेंट होते हैं कि उसमें चाइल्ड के लिए प्रोहिबिटेड होते है। तो हैं तो उसी से रिलेटेड डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल इसमें भी 18 साल रिकमेंड किया है कुछ बाहर के कंट्री देखते हैं यूरोपियन यूनियन ने जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो सबसे पहले लाए थे कि जनरल डाटा को इंडिविजुअल की सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव डाटा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उन्होंने उसको 16 साल बताया और कुछ मेंबर्स ने इसको घटा के तेरह साल कर दिया सेम यू से की एक चिल्ड्रन पॉलिसी है प्राइवेसी उन्होंने तेरह साल रखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया ने सेम उसको जो एज है उसको 18 इयर्स रखा है तो उसी तरह काफ़ी कंट्रीज है चाइना ने 14 साल रखा है तो अभी जो तो नया डाटा प्रोटेक्शन बिल हो रहा है उसमें क्या करें जो इंटरनेट सर्विसेज़ हैं वो बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनी जब वो गवर्नमेंट को पुश करना चाह रही हैं कि एक कंसिडरेबल लिमिट हो क्योंकि जो अंडर 18 है वही लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं पॉपुलेशन उनकी बढ़ रही है तो उसी के ऊपर ये टॉपिक था चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें ओपन हीमर इसको फादर ऑफ बम बोला जाता है उसने कुछ वर्ड्स गीता से लिए थे उसी के ऊपर ये टॉपिक है ये वहाँ के अटोमिक साइंटिस्ट थे और जब 16 जुलाई 1945 को यू सी का प्रोजेक्ट चल रहा था अटोमिक बम बनाने का तो उसके हेड थे उसको बोला जाता है ट्रीनिटी टेस्ट जब उन्होंने अटोमिक टेस्ट किया था और उसके एक महीने बाद ही आपने सुना होगा कि बहुत ही डिज़ास्टर हीरोसोमी हीरोसीमा नागासाकी के ऊपर 6 अगस्त और 9 अगस्त को अटोमिक बम गिराया गया था जिससे दोनों सिटी बहुत ज़्यादा डिवेस्टेड हो गई थी तो उसके बाद में आप देखो कि इतनी ज़्यादा रेस लग गई कंट्रीज़ में जैसे यू ने टेस्ट किया उसके बाद में फिर सोवियत ने नाइनटीन में कर दिया ब्रिटेन ने फिर फ्रेंच ने और चाइनीज़ ने और इंडिया ने नाइनटीन सेवेंटी फोर में स्माइलिंग बुद्धा तो गीता के इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिया जाता है जब गीता में जब लड़ाई हो रही थी कुरुक्षेत्रा की उस टाइम पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि आप कर्म करो फल की इच्छा मत करो और उसी को एक पोल्ट्री वे में दिखाने के लिए श्री कृष्ण एक अवतार के रूप में हो गए थे और अपने मल्टी आर्म मतलब काफ़ी हाथों के द्वारा प्रकट हुए तो उसी में एक वर्ड उन्होंने बोला था नाउ आई हम बिकम डेथ क्योंकि उस टाइम अर्जुना के पास भी इस टाइप का डिलेमा था कि उनको अपने रिलेटिव्स के साथ में भी लड़ना था और उनको भी मारना पड़ सकता है तो उसी को लेते हुए यहाँ पे इन्होंने सीखा कि ऐसा एटॉमिक बम बनाने जा रहे हैं जिससे दुनिया का विनाश हो जाएगा उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट ट्रूमैन थे जिन्होंने एटॉमिक बम जापान पे गिराने का प्लान किया ऑल्सो तो जापान पहले से ही डिफीट हो चुका था तो ओपन हीमर ने उस टाइम पे अपोज़ किया था कि नहीं ये नहीं करना चाहिए क्योंकि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ होगा टेरर होगा और ये बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट करेगा लेकिन उसकी बात नहीं मानेगी और ये इम्प्लीमेंट हो गया लेकिन बाद में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया डिसहार्मामेंट्स की तरफ और यू के काफ़ी अटोमिक बम्स को वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया लेकिन पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन ये हो गया जैसे यू एस ने उन्नीस में किया तो उस टाइम पे इसको एज ए कम्युनिस्ट लेबल किया गया और दोनों कंट्रियाँ फिर से एक ऑटोमिक बम बनाने की रेस लग गई क्योंकि ये हाइड्रोजन बम तक बनाने की बात हो गई थी हाइड्रोजन बम तो ऑटोमिक बम से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है तो उसी के ऊपर ये डिस्कसन है और इसके बाद इनको एक ये लेबल किया गया आप कम्युनिस्ट गमेंट को सपोर्ट कर रहे हो आप यूएससी के खिलाफ हो तो इनके ऊपर काफ़ी बैंस लगा दिए गए थे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल था और गीता की फिलोसफी जो कि हमारी भगवत गीता उसके वर्सेस में से लिया गया था ये वाला वर्ड ना चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे नेक्स्ट न्यूज़ रशिया यूक्रेन जो कि कंटिन्यूसली मोर देन वन ईयर हो गया अभी तो डेढ़ साल ये कंप्लीट होने वाला है तो इन्होंने बताया कि इनके पास में बहुत ज़्यादा क्लस्ट्रम्यूनिशन अब भी बचे हैं अगर यूक्रेन नाटो या यूएस की हेल्प से अगर यूज़ करेगा क्योंकि प्रोहिबिटेड वेपन्स एंड मिसाइल्स होती हैं जो यूज़ नहीं करनी चाहिए तो इसके ऊपर बेसिक डिस्कस करते हैं क्लस्टर म्यूनीशन होते क्या क्लस्टर म्यूनिशन इसी टाइप के एक सब म्यूनिशन और बॉम्बलेट इनसे बना होता है मतलब छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हीं से बने होते हैं या तो इनको एयर ड्रॉप किया जाता है ग्राउंड से लॉन्च किया जाता है किसी पर्सनल को किल करने के लिए व्हीकल्स को पावर लाइन और जो भी एनिमी के टारगेट्स हैं उनको बर्बाद करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है काफ़ी मतलब जो नॉर्मल राइफल से बुलेट्स फायर होते हैं इसमें मल्टीपल टाइप के स्पलेंटर निकलते हैं और इसमें कई बार देखा गया है कि इसमें केमिकल बायोलॉजिकल ये एजेंट डाल के भी अटैक किया जाता है ये सबसे पहले अफगानिस्तान वार में यूज़ किए थे यूस के, के द्वारा उसके बाद बैटल ऑफ इराक़ में सीरन वार में मतलब काफ़ी डेडली चीज़ें हैं जो यूज़ की जाती हैं <laughs> यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ है ब्लैक सी से रिलेटेड कि यूक्रेन की जो सी शिप्स हैं उनको अभी अलाउ uh, किया जाता है लास्ट शिप है वो तो uh, पहले भी एक बार अलाउ किया था लेकिन ब्लैक सी जो है अभी रशिया के द्वारा ज़्यादा डोमिनेट किया जा रहा तो यहाँ पे जो ट्रेड एंड ग्रीनस एक्सपोर्ट किए जाते हैं अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में उसके ऊपर रोक लगा दिए तो यहाँ पे ब्लैक सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है ब्लैक सी के बॉर्डरिंग कंट्री देखते हैं ब्लैक सी बॉर्डरिंग कंट्री को याद करने के लिए आप करो टी बर्गर ऐसे याद कर सकते हो टी मतलब टर्की बी बल्गारिया यूक्रेन रसिया जॉर्जिया एंड रोमानिया ये इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज है कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कैसपीएन सी का आता है क्वेश्चन कैसपीएन सी को आप क्रेट से याद कर सकते हो ये आप कमेंट बॉक्स में बताना करेट का क्या है फुल फॉर्म चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर नेक्स्ट न्यूज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आता रहता है कि अभी ये थोड़ा सा बढ़ रहा है तो इसके बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कि डब्ल्यू रिलीज किसके द्वारा किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर ओ के द्वारा रिलीज किया जाता है जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर में आता है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका बेस ईयर दो हज़ार ग्यारह बारह बेस ईयर उसको माना जाता है जिस एयर में न तो ज़्यादा इन्फ्लेशन हो न कोई रिसेशन फेस किया हो और इसमें ओनली गुड्स को ही कैलकुलेट किया जाता है जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों को इंक्लूड किया जाता है इसमें टोटल छः सौ सतानवे आइटम्स हैं और उनको तीन कैटेगरी में बांटा जाता है कई बार एक कैटेगरी आपको डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग माना जाता है सबसे ज़्यादा मैनुफैक्चरिंग गुड्स है उसके बाद प्राइमरी आर्टिकल नेक्स्ट इज़ फ्यूल एंड पावर यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है जो कि मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट माना गया था और उसको अवार्ड भी मिला था एफ के द्वारा तो ये ऑर्गेनिक जो क्रॉप्स हैं और जितना एग्रीकल्चर उसको बढ़ावा देने से रिलेटेड है इसका पर्पज़ है ऑर्गेनिक वैल्यू चेन बढ़ाए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी सूटेबल है रेंज अच्छी होती हैं सॉइल भी ठीक है नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर फॉर इंप्लीमेंटेशन ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम में हंड्रेड परसेंट यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग मिलती है और सेंट्रली स्पॉसर्ड स्कीम होती है उसमें रेशियो नाइनटी इज टू टेन रहता है हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए सिक्सटी फोर्टी होता है अदर स्टेट के लिए और हंड्रेड परसेंट होता है यूनियन टेरिटरी जो कि विदाउट लेजिलेचर होती हैं या कोई स्पेशल जिस स्टेट के लिए इनिशिएटिव हो उसके लिए होता है इसके बेनिफिट स्टेट जो आठ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मेघालय मिज़ोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा ये आपको वैसे याद हो जाएंगे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उनके लिए है। अब यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है कि सब मिशन है किसका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तो इसको भी डिस्कस करते हैं नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसका ऑब्जेक्टिव है जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना स्पेशली इन द रेनफेड एरिया रेनफेड एरिया कौन सा होता है जहाँ की एग्रीकल्चर और फार्मिंग ये डिपेंड करती है मानसून के ऊपर और मानसून इंडिया में कितने तरह का आता है दो तरह साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून और कुछ स्ट्रीम आती हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसे जो कि सर्दियों में आता है हमारे रबी की फसल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है तो इसके कुछ कंपोनेंट डिस्कस कर लेते हैं इसका पर्पज़ तो ये है कि सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट है रिसोर्स कंजर्वेशन को बहुत ज़्यादा सैनिटाइज करना रेनफेड एरिया डेवलपमेंट रेनफेड एरिया वही है जो कि बारिश पर डिपेंडेंट डेवलपमेंट कैसे होगा वहाँ पर प्रॉपर रेन वाटर हारवेस्टिंग हो पोन्ट्स बनाए जाएँ तालाब बनाए जाएँ उस एरिया को ज़्यादा सिंचाई में इस्तेमाल किया जाए ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट क्या क्लाइमेट रिजिलेंटली क्रॉप्स को किया जाए जैसे मिलेट्स को सरकार बढ़ावा दे रही है या जो भी वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं जैसे राइस हो गया वीट हो गया इनको हटा के बाकी जो कम पानी में उगाई जाती हैं उन फसलों को यूज़ किया जाए स्प्रिंकलिंग वाटर सिस्टम ड्रिप वाटर सिस्टम यूज़ किया जाए इनको बोलते हैं ऑन फार्म मैनेजमेंट केमिकल पेस्टिसाइड को कम यूज़ किया जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाए सोयल हेल्थ मैनेजमेंट सोयल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए स्पेशल सोयल कार्ड भी हैं जिसमें कि एन पी के नाइट्रोजन फोस्फोस पोटेशियम इनका प्रॉपर एस्य होता है कि कित कि, कितना इस्तेमाल करना उसको एक्सेस नहीं करना क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेंज आई पी सी सी की रिपोर्ट के हिसाब से जो हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं पेरिस डेल में 1.5 डिग्री और 2 डिग्री से नीचे लिमिट तो बढ़ता जा रहा है तो क्लाइमेट चेंज के मैक्सिमम इंपैक्ट और रेपरक्यूशन हमारे एग्रीकल्चर और बाकी चीज़ों पे हो रहे हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर की जाए तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर थे डिस्कशन थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग